राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में जो हमने पिछली बार ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट किया था लड्डू गोपाल का, तो काफी दिन से जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस फ्लावर को छोटे साइज में कैसे बनाए, कि वो जो है छोटे साइज में नहीं बन पा रहा है फ्लावर, तो उसको छोटी ड्रेस में कैसे बनाकर जो है हमें स्टिच करना है, कैसे बनाना है, छोटी ड्रेस को कैसे कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो में हम जो है छोटे साइज की यानी 0 से लेके 4 नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए इस डिजाइन के अंदर इस ड्रेस को कैसे बनाकर कंप्लीट करना है वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये वाली ड्रेस बनाकर कंप्लीट करी थी, जिसके अंदर हमने 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई थी। और आप इस ड्रेस को चाहे कितने भी बड़े साइज में बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैंने वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो वहां से जाकर देखिए। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े साइज में हैं तो आप जो है इस ड्रेस को वहां से देखकर बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी डिजाइन को जो है बिल्कुल 0 साइज के लड्डू गोपाल के लिए हमें कैसे बनाकर कंप्लीट करना है वो देखेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, मेजरमेंट होता है, जिसको ध्यान में रखकर जो है हम किसी भी डिजाइन को छोटे साइज में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे साइज में बनाने के लिए हमें कुछ तो फ्लावर के साइज को कम करना होगा, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीजों को कम करेंगे तो ये जो है फ्लावर छोटे साइज में बनकर कंप्लीट होगा और हमारे जो है छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस इजीली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें जो है लड्डू गोपाल की ड्रेस को कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। और अगर आप ड्रेस का बेस बनाना सीखना चाहते हैं तो इस बेस का जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप बेस कैसे बनाना है, चोली कैसे बनानी है, उसका बॉर्डर कैसे बनाना है, इन सभी की सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो वहां से देखकर सबसे पहले तो आप जो है ये चोली और ये बेस बनाकर कंप्लीट कर ले। जितने भी बड़े साइज के आपके लड्डू गोपाल जी हैं उस साइज के अकॉर्डिंग आप इस बेस को बनाकर कंप्लीट कर ले। यहाँ पर मैंने जो है 4 पफ तक इस जो है बेस को बनाकर कंप्लीट करा है। आप चाहे तो इसको 3 पफ तक भी बना सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये फ्लावर जो मैं आज आपको बताऊंगी वो आसानी से बनाकर लगा सकते हैं और छोटे से लड्डू गोपाल की इस ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें जो है स्मॉल साइज में लड्डू गोपाल की इस खूबसूरत सी ड्रेस को कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमें जो है ये स्मॉल साइज का फ्लावर कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जिस भी कलर से आप इसको बनाना चाह रहे हैं उस कलर को यहाँ पर ऐड करें। ऐड करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 की चेन बनाएंगे, क्योंकि हम छोटे साइज का फ्लावर बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 5 की चेन बनाएंगे। और जो हमारी फर्स्ट चेन होगी वहां से धागे को निकालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिए से इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर है इस तरह से जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा। और इसके बाद 1, 2, 3 की चेन लेंगे और ये जो हमारा सर्कल बनकर कंप्लीट हुआ है इसके अंदर से धागे को निकालते हुए यहाँ पर हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, एक बार बनाया, अब यहाँ पर हमने 1 तो 3 की चेन ली थी और एक बार हमने बनाया तो ये हो गए हैं टोटल 2। तो इसी तरह से जो है हम यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बड़े फ्लावर के अंदर हमने 12 बार डबल क्रोशिया बनाया था, वहां पर हमारा फ्लावर जो है 6 पत्तियों का बनकर कंप्लीट हुआ था और यहाँ पर स्मॉल साइज का बनाने के लिए हम 5 पत्तियों का बनाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 चेन कम कर दी हैं। तो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए आप अपने फर्स्ट राउंड को कम्प्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए 10 बार जो है हमने यहाँ पर इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया बना लिया है। और लास्ट में जो हमारा हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, ये देखिए फर्स्ट चेन जो हमने 3 की बनाई थी, यहाँ सेंटर में से धागे को निकालेंगे, स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्लावर का जो है फर्स्ट पार्ट जो है बनकर कंप्लीट होगा और यहाँ पर हमारा ये वर्क जो है खत्म होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे और जिस कलर से हमें फ्लावर बनाना है अब इसके अंदर हम वो वाला कलर जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जहां से भी आप इस फ्लावर को बनाना चाहें वहां से जो है सिंपल आपको अपने इस धागे को कनेक्ट करना है सेकंड वाले धागे को। तो इस तरह से कनेक्ट करने के बाद 1, 2, 3 की चेन लेंगे और 3 की चेन लेने के बाद जहां पर हमने इस धागे को कनेक्ट किया है धागे को लेंगे और उसी चेन के अंदर एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो है हमारी इस तरह की चेन बनकर कंप्लीट होगी जिसके अंदर जो है हमें अपना ये फ्लावर बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए, धागे को लेंगे और इस चेन के, इन दोनों चेन के बीच में से जो है धागे को निकालेंगे इस तरह से,
ये निकाला, अब ये तीन है, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। और छोटा फ्लावर बनाना है तो यहाँ पर अब हम जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन के अंदर जो है तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए एक बार बनाया, फिर दो बार बनाया और उसके बाद ये तीन बार बनाया। तो तीन बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, धागे को लेंगे और आगे वाली चेन को देखिए, हमने फर्स्ट चेन में मान लीजिए ये बनाया तो सेकंड चेन को स्किप करेंगे और जो हमारी थर्ड वाली चेन होगी यानी एक के अंदर हम बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे और आगे वाली जो है सेकंड चेन, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारी सेकंड स्किप होगी और थर्ड चेन के अंदर हम जो है इस धागे को यहाँ पर दोबारा से लेते हुए जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा दोबारा से यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बन गया, धागे को लेंगे और इसी चेन में, थर्ड चेन में जिसमें हमने बनाया है उसी चेन में एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमारी चेन जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर धागे को लेंगे, यहाँ पर इस तरह से निकालते हुए तीन चेन है देखिए, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को लेंगे और इसी चेन के बीच में से दोबारा से तीन बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो और ये तीन। उसके बाद दोबारा धागे को लेंगे, आगे वाली चेन को स्किप करेंगे, एक चेन को यानी स्किप करेंगे और आगे वाली चेन में जो है कनेक्ट करते हुए दोबारा से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जिस चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर जो है दोबारा से चेन बनाने के लिए एक बार दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर इसी चेन के अंदर हम एक बार जो है हाफ डबल क्रोशिया और तीन बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए जो है हम अपना सेकंड राउंड बनाकर इस फ्लावर का कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हम जो है एंड में आ गए हैं। और यहाँ पर हमने 10 चेन बनाई थी फर्स्ट राउंड में, तो यहाँ पर एक चेन को हमने स्किप किया, एक में हमने ये पत्ती बनाई, तो यहाँ पर हमारी टोटल 5 पत्ती बनकर कम्प्लीट हुई है। तो छोटे फ्लावर के अंदर हमने जो है एक पत्ती को जो है कम कर दिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट चेन में हमने ये पत्ती बनाई थी वहीं पर स्लिम स्टिच से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से जो है फ्लावर का बीच का पार्ट आपको नजर आएगा भी। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक दो तीन चार, चार की चेन बनाएंगे। और इसको पीछे से देखिए, यहाँ पर जो हमने ये पत्तियाँ बनाई है नीचे की तरफ आपको ये दो लूप नजर आएंगे, इनको पिक करते हुए यहाँ पर इस चेन को हमें सिंगल क्रोशिया से देखिए यहाँ पर कनेक्ट करना है। एक दो तीन चार, चार की चेन बनाएंगे और वापस जो है नीचे से दो लूप को इस तरह से पिक करेंगे। ये लूप जो है आपको हर पत्ती के नीचे दिखाई देंगे इस तरह से, एक दो तीन चार, और आगे की तरफ जो ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट किया और आगे के जो ये दो लूप हैं इनके अंदर दोबारा से हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, एक दो तीन चार। तो इसके अंदर जो है आपको चार चार चेन बनानी है और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर कनेक्ट करते हुए जाना है। तो यहाँ पर अब हमारी जो है लास्ट वाली चेन आ गई है, हमने 5 पत्तियाँ बनाई थी तो ये चेन भी हमारी जो है 5 ही बनकर कंप्लीट होगी। और लास्ट वाली दो चेन को जो है हम यहाँ पर पिक करेंगे, पिक करने के बाद वापस इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो है इस तरह की 5 चेन बनकर कंप्लीट हुई है। और जो हमारी फर्स्ट चेन हमने बनाई थी वहां पर इस धागे को स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एक दो तीन, तीन की चेन बनाएंगे और तीन की चेन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, धागे को लेंगे और इस चेन में तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमने तीन की चेन ली थी, एक बार हमने ये बनाया तो ये दो हो गई। उसके बाद धागे को लेंगे और अपनी थर्ड जो है डबल क्रोशिया की चेन बनाएंगे। इसके बाद एक दो, दो चेन बनाकर इस तरह से गैप लेंगे, धागे को लेंगे और इसी चेन के अंदर अब दोबारा से तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। तो ये जो है हमारी नीचे की इस तरह से पत्ती बनकर कंप्लीट होगी। बड़े वाले फ्लावर जो हमने बड़ी ड्रेस के लिए बनाया था वहां पर हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर बीच में दो चेन बनाकर गैप दिया था, फिर 5 बार डबल क्रोशिया बनाया था, तो उससे हमारा फ्लावर बड़ा बना था। और ये हमने जो है छोटे साइज में बनाने का तरीका ये है कि तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो की चेन लेंगे, फिर तीन बार डबल क्रोशिया, और इसको बनाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन होगी वहां पर से धागे को इस तरह से स्लिम स्टिच से निकालते हुए कनेक्ट करेंगे, एक दो तीन, तीन की चेन बनाएंगे, वापिस वही तरीका करेंगे जो है तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो ये हमारा तीन बार डबल क्रोशिया हो गया। एक दो, दो की चेन लेंगे और दो की चेन लेने के बाद वापिस इस चेन में जो है तीन बार हम जो है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाकर इन पत्तियों को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है थर्ड टाइम का डबल क्रोशिया भी बन गया, तो ये दो पत्ती बन गई। इसी तरह से जो है बाकी की जो हमारी तीन चेन बची हैं उसके अंदर इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस फ्लावर को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है पांचों पत्तियां बनकर कंप्लीट हो गई है, हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। और इसको बनाने के बाद जो हमने फर्स्ट वाली पत्ती बनाई थी वहीं पर नीचे की तरफ इसको धागे को इस तरह से कनेक्ट करते हुए जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये फ्लावर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि छोटे साइज में हम कितनी आसानी से जो है इस फ्लावर को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस फ्लावर को बनाने के बाद ये देखिए हमारा जब फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सिंपल आपको जैसे मैंने बड़ी ड्रेस में बताया है थोड़ा सा पार्ट आपको फ्लावर का ऊपर की तरफ रखना है यहाँ पर। और ये जो ड्रेस है इसके अंदर हमने ये जीरो साइज के लड्डू गोपाल के जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ पर हमने एक दो तीन चार, चार पफ के ऊपर इस बेस को बनाकर कंप्लीट करा है। आप चाहे तो तीन पफ तक भी, अगर आप इसको और छोटा बनाना चाहते हैं तो तीन पफ तक भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर भी ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगेगी और इसी साइज का जो है फ्लावर उसके अंदर भी जो है बिल्कुल सेट आएगा उस ड्रेस के अंदर भी, जो अगर आप इसमें एक पफ कम कर देते हैं एक पफ की लाइन। तो सिंपल आपको क्या करना है इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है इसको फ्लावर को, जैसा हमने बड़ी ड्रेस में करा था थोड़ा हम अंदर रखेंगे और थोड़ा सा पार्ट जो है देखिए इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे फ्लावर का। और सिंपल आपको यहाँ नीचे की तरफ से धागे को डालना है और स्टिच करते हुए जो है इसको कंप्लीट करना है। स्टिच कैसे करना है वैसे मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है, सिंपल इस तरह से सेम धागा लेंगे तो कहीं भी विजिबल नहीं होगा और दोनों नीचे की लेयर को भी और ऊपर की लेयर को भी, व्हाइट वाला जो हमारी नीचे की फ्लावर की लेयर है उसको हम स्टिच करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को स्टिच नहीं करेंगे। और इस तरह से जो है मैच करते हुए इसको इस ड्रेस के अंदर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टिच करने के बाद हमारे जो है छोटे से लड्डू गोपाल की कितनी खूबसूरत सी ड्रेस जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और आपके लड्डू गोपाल जो चाहे कितने भी छोटे हो, जीरो साइज से लेके चार नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए आप इस फ्लावर को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। बड़े साइज में कैसे बनाना है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, वहां से देखकर आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आपको परेशानी आ रही थी कि छोटे साइज में फ्लावर बनाकर इस ड्रेस के अंदर कैसे स्टिच किया जाए, कैसे इस ड्रेस को छोटी जो है लड्डू गोपाल की ड्रेस में बनाकर कंप्लीट किया जाए, वो पूरी हो गई होगी। अब आप इसको छोटे साइज में भी आसानी से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको जो है लड्डू गोपाल की ये ड्रेस कैसी लगी। और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस और डिजाइन देखने के लिए। मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।